जब भी कोई फोटोग्राफी स्टार्ट करता है तो उसके लिए आर्ट ऑफ फोटोग्राफी सीखने से ज्यादा टफ होता है अपने लिए बेस्ट कैमरा गियर और लेंसेज की रिसर्च करना। प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के लिए ये काम बहुत ही आसान होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये काम बहुत टफ होता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि जूम और प्राइम लेंस के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है। हे एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और आपकी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए हम इस चैनल पे बहुत सारा फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग रिलेटेड कंटेंट लाने वाले हैं, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस ना कर पाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने जूम वर्सेस प्राइम के ऊपर तीन वीडियो की एक सीरीज बनाई है। इस सीरीज को देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जूम लेंस और प्राइम लेंस के बीच क्या डिफरेंस होता है और आप अपनी नीड के हिसाब से जूम लेंस या प्राइम लेंस में से एक बेस्ट लेंस ले पाएंगे। सबसे पहले हम जूम लेंस और प्राइम लेंस में मेन डिफरेंस क्या होता है उसे समझते हैं। जूम लेंस के नाम में ही समझ में आता है, अ लेंस विच कैन जूम। तो ये वो लेंसेज होते हैं जिनके अंदर हमें डिफरेंट फोकल लेंस मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये 1855mm लेंस। अब इस लेंस से हम 18mm से लेके 55mm तक की सारी फोकल लेंस पर इमेज क्लिक कर सकते हैं। वहीं प्राइम लेंस की बात करें तो प्राइम लेंस की फोकल लेंथ फिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल ये 24mm लेंस। अब इस लेंस से हम जूम इन और जूम आउट नहीं कर सकते हैं, इस लेंस में हमें सिर्फ 24mm की ही फोकल लेंथ मिलती है। तो अब अगर हमें 18 से लेके 55mm तक की फोकल लेंथ की रिक्वायरमेंट है तो या तो हम इन तीन प्राइम लेंसेज को कैरी करें या फिर हम सिर्फ एक 18-55mm किट लेंस को कैरी कर सकते हैं। तो कोई भी समझदार आदमी कहेगा कि तीन लेंसेज को कैरी करने से अच्छा है एक लेंस को कैरी किया जाए, लेकिन आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तीन लेंसेज को कैरी करना भी आपके लिए एक अच्छा डिसीजन क्यों है। पुराने टाइम में लोग ये कहते थे कि प्राइम लेंसेज की इमेज क्वालिटी जूम लेंसेज से अच्छी होती है, लेकिन इमेज क्वालिटी के अंदर कई चीजें आती हैं, शार्पनेस, विनिएटिंग, फ्लेयर्स, डिस्टॉर्शन। अब मार्केट में ऐसे कई जूम लेंसेज हैं जो कि प्राइम लेंसेज को इनमें से किसी भी कैटेगरी में आउट परफॉर्म कर देंगे। एक बड़ा डिफरेंस जो कि आज भी इन लेंसेज के बीच है वो है अपर्चर वैल्यू का। अब प्राइम लेंसेज के अंदर तो हमें बहुत ही लो अपर्चर मिलता है, लेकिन मार्केट के अंदर अभी भी गिने चुने ही जूम लेंसेज हैं जो कि हमें 2.8 से लो अपर्चर वैल्यू दे पाए। अब लो अपर्चर होने की वजह से प्राइम लेंस से हमें इमेजेस के अंदर बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड ब्लर मिलता है और प्राइम लेंस की लो लाइट में अच्छे फोटो लेने की कैपेबिलिटी भी जूम लेंस से कहीं ज्यादा है। तो जूम लेंस में आपको फोकल लेंथ की बड़ी रेंज मिलेगी, लेकिन प्राइम लेंसेज के अंदर आपको वाइड अपर्चर मिलेगा। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि वाइड अपर्चर का मतलब ये नहीं है कि आपको इमेजेस के अंदर ज्यादा शार्पनेस मिलेगी या अच्छे कलर्स मिलेंगे। जूम लेंसेज भी बहुत ही अच्छी इमेज क्वालिटी देते हैं। तो प्राइम लेंस अच्छा है या जूम लेंस, इसका परफेक्ट कोई आंसर नहीं है। ये टोटली आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। आप क्या शूट करने वाले हैं, आप कब और कहाँ शूट करने वाले हैं, आप कितने लेंसेज कैरी कर सकते हैं, आप कॉन्स्टेंटली लेंसेज को चेंज कर सकते हैं या नहीं, ये वो सवाल हैं जो कि आपको मदद करेंगे डिसाइड करने में कि आपके लिए बेस्ट लेंस कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल अब अगर आप एक इवेंट फोटोग्राफर हैं तो आपके लिए कॉन्स्टेंटली लेंस को चेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा और इवेंट के अंदर आपको डिफरेंट फोकल लेंस पे कई इमेजेस लेने होंगे, तो इस समय के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एक जूम लेंस। और अगर आपको लो लाइट में भी शूट करना हो तो एक एक्सटर्नल फ्लैश से आपका काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक पोर्ट्रेट और फैशन फोटोग्राफर हैं तो आपके लिए ज्यादा मायने रखेगा सब्जेक्ट और बैकग्राउंड का सेपरेशन, तो उस समय के लिए आप एक प्राइम लेंस यूज कर सकते हैं। और ज्यादातर पोर्ट्रेट और फैशन शूट में हमारे पास टाइम होता है लेंसेज को चेंज करने का। अब आप किसी जगह पर दो कैमरे भी यूज कर सकते हैं, एक में आप प्राइम लेंस लगा सकते हैं और दूसरे में जूम, लेकिन ये आपको डिसाइड करना होगा कि किस फोकल लेंथ का कौन सा लेंस आपको यूज करना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ज्यादातर प्राइम लेंसेज से शूट करता हूं क्योंकि मुझे बैकग्राउंड ब्लर की रिक्वायरमेंट होती है और कई बार मुझे लो लाइट कंडीशंस में शूट करना पड़ता है जहां पे प्राइम लेंसेज का बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब कई लोग सोचते हैं कि प्राइम लेंसेज की फोकल लेंथ फिक्स होने की वजह से वो कई मोमेंट्स को मिस कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइम के साथ में आपको प्राइम लेंसेज की हैबिट हो जाएगी और आप बहुत ही अच्छे इमेजेस ले पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं जूम लेंस यूज नहीं करता, कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे हम एक प्राइम लेंस यूज नहीं कर सकते, वहां पे जूम लेंस इज द बेस्ट ऑप्शन। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।